सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया कुमार और आप देख रहे हैं News24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार और झारखंड। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में CBI को किसी भी बच्ची की हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी बच्ची की हत्या नहीं की गई है और सभी गायब 35 बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। CBI की रिपोर्ट के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल CBI की जांच रिपोर्ट पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि खुद CBI ने 2018 में 11 बच्चियों की हत्या की बात कबूली थी। शेल्टर होम में रह रही लड़कियों ने भी बच्चियों की हत्या की बात कबूली थी, और तो और जो शेल्टर होम में काम कर रहे लोग थे उन्होंने भी कहा था कि हाँ, यहाँ बच्चियों की हत्या की गई और उनको यहीं पे गाड़ा गया था। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई, उनका कहना कि हमने तो 35 लड़कियों की बात की ही नहीं थी। दरअसल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का यह पूरा मामला क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये उजागर हुआ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। CBI के अनुसार शेल्टर होम से बरामद कंकाल यहाँ रह रही लड़कियों के नहीं हैं। फॉरेंसिक जांच में यह कंकाल एक पुरुष और महिला के निकले, लेकिन CBI ने यह नहीं बताया ये महिला पुरुष कौन थे। बताना चाहिए था। चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने CBI की स्टेटस रिपोर्ट मंजूर कर ली है। इससे पहले CBI ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह उत्पीड़न के 17 मामलों में जांच पूरी हो गई है और जिलाधिकारियों सहित संलिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दायर कर दी गई है। CBI ने यह भी बताया कि बिहार में 17 शेल्टर होम्स की जांच के बाद 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 4 मामलों की प्रारंभिक जांच में कोई सबूत नहीं मिलने के बाद केस बंद कर दिया गया है। CBI जांच इसलिए होती है कि सबूत ढूंढा जा सके, उसे हासिल किया जा सके। लेकिन ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार और हर मामले में CBI को सबूत मिल ही जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट मंजूर कर ली है और इसे समझ भी लिया है, आप भी समझ सकते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार का खुलासा फरवरी 2018 में हुए सोशल ऑडिट में हुआ था। बिहार के समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर टिस की एजेंसी कोशिश ने मुजफ्फरपुर के शाहू रोड स्थित बालिका गृह समेत दूसरे शेल्टर हाउस का सोशल ऑडिट किया था। एजेंसी ने ही बालिका गृह में रह रही बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार को उजागर किया था। 31 मई 2018 को समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने महिला थाने में FIR दर्ज कराई। इसमें बालिका गृह का संचालन कर रही सेवा संकल्प एवं विकास समिति को लड़कियों से दुर्व्यवहार का आरोपी बनाया गया। पुलिस ने यहां से 46 किशोरियों को मुक्त कराया। 3 जून 2018 को ब्रजेश ठाकुर और बालिका गृह से जुड़ी 7 महिलाओं किरण, चंदा, नेहा, मंजू, इंदु, हेमा और मीनू को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। यह मामला साकेत कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में 14 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। सवाल CBI की साख का भी है। RJD ने इस पूरे रिपोर्ट पर तंज कसा है और कहा है कि किसी भी बच्ची की हत्या नहीं हुई, किसी की भी लाश नहीं मिली, न्याय हो गया, बजाओ ताली। दरअसल CBI और तोते का रिश्ता बहुत पुराना है। जब BJP विपक्ष में थी तो BJP CBI को तोता कहा करती थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस CBI को तोता कहा करती है। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कोयला आवंटन के मामले में CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा था। पिंजरे में बंद तोता का मतलब कि अगर आप सीताराम सीताराम कहिएगा तो तोता भी सीताराम सीताराम कहेगा, और अगर आप तोता से कहिएगा कि अच्छे दिन आ गए तो तोता भी कहेगा कि हाँ, अच्छे दिन आ गए। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। हमेशा की तरह आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा।